हेलो गाइस, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई होप आप लोग सभी अच्छे हों। और आज हैप्पी लोरी है। लोरी पे हम क्या क्या बनाएंगे ये हमने आपको कई वीडियो में बताया है, लेकिन अभी हम चल रहे हैं चने की दाल के पकोड़े बनाने। तो हम आपको उसका वीडियो दिखाते हैं, चलिए देखिए। ये देखिए गाइस, ये हमने चने की दाल को हमने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये फूल गई थी और हमने इसको मिक्सी में पीसा है। ये देखिए, आप ऐसे देखिए। अब इसमें ये पीस गई है। इसमें हम प्याज डालेंगे। ये मैंने 4-5 प्याज ली है, बारीक कटी हुई लंबी लंबी, और हरी मिर्ची ली है 4-5। इसमें हम मिक्स करेंगे इसको। मुझे प्याज ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने 4-5 प्याज रखी है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसमें 1-2 प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। ये देखिए, हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है, जैसे कि मैं अपना इसमें स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, तो आपको भी अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालना है। ये देखिए, नमक अगर हल्का भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि बाद में हम पकोड़ों के साथ चाट मसाला लेते हैं या अलग से नमक ले सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने नमक डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी हल्की सी लाल मिर्च। मिर्ची मैं कम रखूंगी, क्योंकि मेरे घर में बच्चे छोटे हैं तो उनको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं आता। थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये देखिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इन सबको मिक्स कर दूंगी मैं। इसको मैं अपने हाथ से ऐसे ऐसे मिक्स करूंगी। आप देखिए, ये देखिए, सभी चीज़ों को हम इस तरह मिक्स कर देंगे। तो ये चने की दाल के पकोड़े बता रही हूँ, बहुत स्वाद लगते हैं ये बेसन से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे तो। आपकी अपनी पसंद होगी कि आपको कैसे अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम इसको पूरा मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करने से एक अपना ही स्वाद आता है और बहुत अच्छा लगता है। चम्मच से मिक्स करोगे तो ये प्याज इस तरह टूटेंगे नहीं। अभी हम इसको यूं यूं करके प्याजों को तोड़ लेंगे, तो ये प्याज की एक एक कली अलग हो जाएगी। और इसी तरह मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए, ये सही से मिक्स हो गए हैं। अब हम तेल चढ़ाएंगे कढ़ाई में। मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल डाल रखा है, क्योंकि मैं पहले इससे पहले मैं दही बड़े बना रही थी, तो उसमें मैंने तेल डाल रखा है कढ़ाई में। तो अब हम इसको हटाते हैं और कढ़ाई चढ़ाते हैं अपनी गैस पे। हम गैस चालू कर रहे हैं, गैस जला दी हमने, और अब हम इस पे कढ़ाई रख रहे हैं। तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपनी पकौड़ियाँ डालेंगे। ये देखिए गाइस, तेल गर्म हो गया है और मैंने पकौड़े डालनी चालू कर दी है। देखिए, इस तरह से छोटी छोटी करके, इस तरह से छोटी छोटी अपनी शेप में बना सकते हैं आप, गोल भी लंबी भी, पकौड़ी स्टाइल में जैसे आपको अच्छी लगे आप उसी तरह इन पकौड़ियों को बना सकते हो। ये देखिए, मैंने पूरी कढ़ाई भर दी है। अब गैस को हम तेज कर देंगे। जब हम पकौड़ी डाल रहे थे तो गैस कम थी, अब हमने इसको तेज कर दी है। और अभी हम इसको पलटेंगे। देखिए गाइस, हल्के हाथ से हिलाते हुए, नहीं तो जो तो हो गई है उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अभी हमने तुरंत डाली है वो फट जाएंगी। ये देखिए, जैसे कि कुछ लाल हो गई हैं तो ये तो आराम से पलट जाएंगी, और जो भी कच्ची हैं वो फट जाएंगी। इसलिए आपको हल्के हाथ से इनको पलटना है, ध्यान रखिएगा। और हम धीरे धीरे हल्के हाथ से पलट रहे हैं सारी पकौड़ियों को, और हल्का ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। इसी तरह हम सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। मैं आपको ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो ही दिखाती हूँ, ताकि आप जल्दी से देख के और जल्दी से सीख लें, ना प्याज काटने में ना प्याज छीलने में, इन सब चीज़ों में मेरे को लगता है कि टाइम वेस्ट होता है। लोगों को अगर देखना है तो वो सीधा वो जल्दी जल्दी ये पसंद करते हैं कि ये चीज़ कैसे बनाई है, तो मैं आपको उसी तरह दिखाती हूँ। लेकिन आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि मुझे कैसे करना चाहिए, पूरा लॉन्ग बनाना चाहिए या शॉर्ट में ही बना के डालनी चाहिए वीडियो को, तो आप बताइए मुझे।
आप मेरी पकौड़ी को देखिए ध्यान से कि मैंने कैसे छोटे छोटे डाली थी, लेकिन ये फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, ये फूल गई हैं और कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो जब पकौड़ियाँ फूलती हैं तो काफ़ी क्रिस्पी बनती है, काफ़ी कुरकुरी सी बनती है, अच्छी बनती है। ऐसा कहते हैं कि अगर दाल भिगो के कोई चीज़ बनाई जाती है और वो फूलती है तो यानी वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे से बनी है। और आप देख सकते हैं हमारी सारी पकौड़ी तैयार हो गई है। हमने किस तरह हल्के हाथ से एक एक पकौड़ियों को पलटा और अब सारी पकौड़ियाँ देखो लाल हो गई है। ये चने की दाल की पकौड़ी है, ऐसे ही मूंग की दाल की भी पकौड़ी बनती है और सब बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इनको आप हरी चटनी के साथ खाइए, धनिया मिर्ची लहसुन की चटनी पीस के और उसके साथ खाइए, बहुत यम्मी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मुझे तो ये। और मेरे बच्चे छोटे हैं वंशु प्रज्ञा, तो वो उनको मीठी सॉस के साथ खाती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको सर्व करके, ये देखिए पकौड़ी निकालते समय ध्यान रखिए कि गैस हमेशा तेज हो। ये देखिए आप में, ये देखिए कितनी अच्छी बनी हमारी पकौड़ी। इसी तरह हम सारी पकौड़ियों को निकाल लेंगे और आपका जिसके साथ भी इसको खाने का मन करे, धनिया हरी मिर्ची पुदीने की चटनी या चिली सॉस मीठी सॉस, आप इसको खाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ठंड में तो ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आज लोरी है, ये मैं लोरी पे बना रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसी बनी है। खा के आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए और प्लीज़ इसको बना के भी देखिए, बहुत अच्छी लगती है। और जब भी आप बनाना तो मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।